आज के इस वीडियो में मैं पूरे थर्मल पावर प्लांट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पिछला वीडियो मैंने कुछ कारण से डिलीट कर दिया, लेकिन इस वीडियो में पूरे थर्मल पावर प्लांट को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कोयले की मदद से हम बिजली को जनरेट करते हैं। तो अगर सब कुछ जानना चाहते हो तो पूरा वीडियो जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोयले को कोल्ड स्टोरेज एरिया पे रखा जाता है। अब कोयले होता है तीन तरीके का, मेनली तीन तरीके का होता है कोयला, ठीक है, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट, ठीक है। अब लिग्नाइट का कार्बन परसेंटेज होता है 67%, बिटुमिनस कोल का जो कार्बन परसेंटेज होता है वो होता है 83% एंड एंथ्रेसाइट कोल का जो कार्बन परसेंटेज होता है वो होता है 90%, ठीक है। हम बिटुमिनस कोल यूज़ करते हैं जिसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है 7600 कैलोरी पर केजी। अब इस कोयले को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे कोल हैंडलिंग एरिया में ले जाया जाता है, जहाँ पर इस कोयले को तोड़ा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। अब उस छोटे छोटे टुकड़े को और एक मशीन में डाला जाता है, जहाँ पर इस छोटे छोटे टुकड़े को बिल्कुल पाउडर बना दिया जाता है, क्योंकि पाउडर जल्दी जल जाता है और पूरा 100% पाउडर जल जाता है, जिसके कारण हमें एफिशिएंसी बहुत अच्छा मिलता है। इसीलिए हम कोयले को तोड़कर पाउडर बना देते हैं। अब इसी पाउडर को हम फर्नेस में डालते हैं। अब फर्नेस में डालकर उसको आग लगा देते हैं। अब उसी आग की मदद से हम ऊपर लगे बॉयलर में जो पानी होता है उस पानी को हम गर्म करते हैं, ठीक है। यह बॉयलर, इस बॉयलर की कैपेसिटी होता है 22.7 लीटर, एक बॉयलर की कैपेसिटी है। अब इस बॉयलर के अंदर पानी रहता है। अब पानी आग की वजह से धीरे धीरे गर्म होता है, ठीक है। अब जैसे ही गर्म होता है एक टाइम पे ऐसा आता है कि पानी स्टीम में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। अब जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है तो पानी स्टीम में कन्वर्ट होना चालू होता है और, ठीक है, सुपर हीटर की तरफ जाता है। अब सुपर हीटर क्या है आगे बताता हूँ। यहाँ पर जो रेड पाइप दिख रहा है आपको, इस पाइप से फ्लू गैस निकलता है। फर्नेस का जो फ्लू गैस है वो गैस निकलता है। फ्लू गैस जो फर्नेस के अंदर जो धुआं है, ठीक है, उसी को हम फ्लू गैस कहते हैं। वो गैस क्या होता है, रेड पाइप से होकर सुपर हीटर तक पहुँचता। अब इस सुपर हीटर के अंदर क्या होता है, जो फ्लू गैस होता है वो क्या करता है, इस स्टीम का जो टेम्परेचर है उसे इंक्रीज करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ पर दिख रहा है स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम आ रहा है और ये जो फ्लू गैस है, इस फ्लू गैस का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या करता है, जो स्टीम है, इस स्टीम का जो टेम्परेचर है उसे इंक्रीज करता है। लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो टेम्परेचर है उसे इंक्रीज कर देता है। अब इस हाई स्पीड स्टीम को आगे भेज दिया जाता है टरबाइन की तरफ। इस टरबाइन, जैसे कि आपको यहाँ पर टरबाइन दिख रहा है, स्टीम की मदद से टरबाइन घूम रहा है। ये पूरा सब कुछ कवर हुआ रहता है, ठीक है, ढका हुआ रहता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सब कुछ मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टीम की वजह से टरबाइन घूम रहा है और ये है वाल्व, ठीक है। ये वाल्व क्या करता है, स्टीम के प्रेशर को कंट्रोल करता है। मतलब अब अगर ज़्यादा स्टीम होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, टरबाइन बहुत ज़ोर से घूमने लगेगा, जिसके कारण फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है, ठीक है। ऑल्टरनेटर के ऊपर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, ऑल्टरनेटर के स्पीड के ऊपर। अगर ज़्यादा स्पीड में घूमेगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, अगर ज़्यादा स्लो घूमेगा तो भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंट रखने के लिए यहाँ पर एक वाल्व को लगाया जाता है। ये वाल्व ऑटोमेटिक स्टीम को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इस टरबाइन ब्लेड के साथ ऑल्टरनेटर कनेक्ट है। जैसे ही टरबाइन ब्लेड घूमता है तो ऑल्टरनेटर भी घूमना चालू होता है और अब बिजली जनरेट होना चालू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो स्टीम जो टरबाइन ब्लेड से टकरा कर उसका एनर्जी लॉस होकर क्या होगा, सीधा डायरेक्ट ये जो स्टीम है वो सीधा कॉन्डेंसर में चला आएगा। अब इस कॉन्डेंसर में क्या होता है कि ये जो स्टीम है, इस स्टीम को पानी में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है, देखो यहाँ पर हाई टेम्परेचर स्टीम यहाँ पर कॉन्डेंसर में आता है, ठीक है। इस कॉन्डेंसर के अंदर क्या होता है, कुछ पाइप्स होता है, जिस पाइप के अंदर से हम क्या करते हैं, नदी का जो पानी होता है उस पानी को हम पंप की मदद से भेजते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ पर दिख रहा है, अब जो पानी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है उस पानी का टेम्परेचर, ठीक है। अब ये पानी क्या करता है, ये जो स्टीम का जो टेम्परेचर है उसे ले लेता है, मतलब अपने अंदर ले लेता है और स्टीम का जो टेम्परेचर है उसे डिक्रीज कर देता है और पानी का टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये जो कंडेंसर है इसका है यही काम, ठीक है। अब जैसे ही जो आपका स्टीम का जो टेम्परेचर है, जैसे ही ये डिक्रीज हो जाता है तो ये क्या होता है, फिर से स्टीम से पानी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब उस पानी को एक पाइप की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है और ये जो नदी का जो पानी है उस पानी को आगे भेज दिया जाता है। कि जैसे कि आपके यहाँ पर दिख रहा है कि स्टीम का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है वो जा रहा है और पानी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होकर बाहर निकल रहा है।
नदी का पानी कंडेंसर के अंदर जाने के बाद स्टीम की जो टेम्परेचर है उसे अपने अंदर ले लेता है और खुद की टेम्परेचर बढ़ा देता है। ठीक है, अब इसे गर्म पानी को कूलिंग टावर में भेज दिया जाता है। कूलिंग टावर में इसे स्प्रे की हेल्प से नदी में भेज दिया जाता है। इसी वजह से कूलिंग टावर से ऐसे सफेद धुआं हमें देखने को मिलता है। कंजर्वेटर स्टीम को पानी में कन्वर्ट करता है, वही पानी एक पाइप की मदद से बाहर आता है। ठीक है, अब बाहर आने के बाद एक फीड वाटर पंप क्या करता है, उसे इकोनोमाइजर की तरफ भेज देता है। अब इकोनोमाइजर क्या, अब इकोनोमाइजर भी एक हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्लू गैस जो होता है वो फ्लू गैस की हेल्प से ये जो पानी है इस पानी का टेम्परेचर को इनक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, इंक्रीज करके यही पानी को हम बॉयलर में भेज देते हैं। इससे क्या होता है, बॉयलर की जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाता है। अब इकोनोमाइजर के बाद वो फ्लू गैस एयर प्री हीटर की तरफ बढ़ता है। अब एयर प्री हीटर क्या है, एयर प्री हीटर भी एक हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक फोर्स ड्राफ्ट फैन की हेल्प से इसमें हवा बढ़ जाता है। अब वही हवा क्या होता है, फ्लू गैस की हेल्प से बहुत गर्म होता है। गर्म होने के बाद वही हवा को क्या करते हैं, हम फर्नेस में भेजते हैं। ठीक है, फर्नेस में भेजते हैं इसलिए क्योंकि अच्छी तरह आग जल सके। ठीक है, इससे क्या होता है, फर्नेस की जो एफिशिएंसी है वो भी एफिशिएंसी बढ़ जाता है। अब एयर फ्री हीटर के बाद फ्लू गैस ESP मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में जाता है। वहाँ पर क्या होता है, ये जो फ्लू गैस है इसको फिल्टर करते, इसके अंदर से डस्ट पार्टिकल जो है वो कलेक्ट करके इसको चिमनी की मदद से खुली हवा में छोड़ दिया जाता है इस फ्लू गैस को। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।